उस समय ये किला 16,110 रुपए में बनके तैयार हुआ था। पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आपका स्वागत है। बाजीराव प्रथम के द्वारा शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 को इस किले का नींव रखी गई, जो कि आने वाले समय में मराठा साम्राज्य का केंद्र बिंदु बना। तो चलिए देखते हैं शनिवार वाड़ा। इस जगह को शनिवार वाड़ा ही क्यों कहा जाता है, उसके पीछे भी एक दिलचस्प स्टोरी है। स्टोरी ये है क्योंकि इसका इनॉग्रेशन जो हुआ, मराठा मानते थे कि शनिवार का जो दिन है वो एक पावन दिन है, एक अच्छा दिन है इनॉग्रेशन करने के लिए। तो 10 जनवरी 1730 को इसका शनिवार के दिन ही इनॉग्रेशन किया गया, इसलिए इसे शनिवार, और वाड़ा मराठी में बोला जाता है मकान को, घर को, तो इसका नाम पड़ा शनिवार वाड़ा। उसके बाद 22 जनवरी 1730 को शनिवार के ही दिन इसका जो वास्तुकला, जो आर्किटेक्चर जो इसका था वो तैयार करवाया गया, और फिर किले के बनने का काम स्टार्ट हुआ। अगर आपने नोट किया होगा, इस किले की जो दीवारें हैं वो काले रंग की हैं, काली पड़ चुकी हैं। ये हमेशा से ऐसी ही नहीं थी। 27 फरवरी 1828 के दिन यहाँ पे इतनी भयानक आग लगी जो कि एक हफ्ते तक जलती रही, जिसकी वजह से ये किला जो था काला पड़ गया। और ये जो फुवारे आप देख रहे हैं पानी के, ये कुछ अवशेष इस किले के बचे रह गए उस भीषण आग से। देख सकते हैं ये उस समय के लकड़ियों के अवशेष हैं जो कि काली पड़ चुकी हैं, क्योंकि ये फुवारा था, पानी की अवेलेबिलिटी थी, तो आग इस जगह पे नुकसान नहीं कर पाई इतना। ये देखिए, ये जो अवशेष देख रहे हैं आप, ये एक समय में मकान था, महल का एक पार्ट था ये, और ये रेजिडेंस था सदाशिव भाऊ का। सदाशिव भाऊ बाजीराव के भाई के बेटे थे, और 1761 में जब पानीपत की थर्ड बैटल हुई तो इनका पानीपत में निधन हुआ। 1828 में क्योंकि आग लगी तो जो उनका महल था, जो उनका घर था, वो भी जल के तबाह हो गया, और बस ये कुछ अवशेष रह गए। पानीपत की लड़ाई के बाद जो मराठा बचे, उसमें से एक थे आपके माधव राव। माधव राव ने मराठा नींव को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल फिर उसके बाद हो नहीं पाए। तो ये जो अवशेष आप देख रहे हैं ये उनके घर का है। अवशेष देख रहे हैं, यही वो पेशवा थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे अपने भतीजे की मौत के, और इनका नाम था दादा साहेब, जिसे लोग प्यार से रघुनाथ राव भी कहा करते थे। अगर आप ध्यान से देखें, जो नीचे का बेस है वो पत्थरों का है, और उसके ऊपर जो है वो ईंटों का स्ट्रक्चर है। इसकी कहानी यूं है, लेकिन ये पूरा पत्थरों से बना हुआ महल होना था। तो जब इसका फर्स्ट फ्लोर बना तो राजाओं को, लोगों से ऑब्जेक्शन हुआ कि मैं राजा हूँ और राजा कभी पत्थर में नहीं रहते, पत्थरों के महलों में नहीं रहते, तो आप इसे ईंटों का बनाएं। और विडंबना देखिए,
वक्त की। 90 साल के बाद ठीक अंग्रेजों ने इस महल के ऊपर अटैक किया, तो जो ईंटों की दीवारें थी वो ढह गई, ईंटों का जो किला था वो ढह गया, लेकिन पत्थरों का जो बनाया हुआ बेस था वो आज भी सुरक्षित है। और वो इतना सुरक्षित था कि वो 1828 की आग को भी झेल गया। ठीक ही एक बहुत फेमस कहावत है कि काका माला वाचवा। एक बच्चा अपने बड़े भाई से कह रहा है कि भाई मेरे को बचा लो, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि उसका बड़ा भाई ही उसको मरवा रहा है। लेकिन उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि उसके बड़े भाई ने ही उसकी मौत की साजिश रची है, क्योंकि वो मस्तानी का बेटा था। और जैसे कि आपने शायद मूवी में भी देखा होगा, उस बच्चे का वध यहाँ हुआ था। ये जो आप मेरे सामने गेट देख रहे हैं, इसे नारायण दरवाज़ा कहते हैं। नारायण दरवाज़ा उस बच्चे के नाम पे, जिसका नाम था नारायण राव। आज भी यहाँ से जो किंवदंती है कि लोगों को उस बच्चे की आवाज़ सुनाई पड़ती है कि काका मागा वाचवा, बचा लो मुझे। ये महल का ऊपरी भाग है, जैसे कि आप देख सकते हैं सामने पुणे शहर है, और शहर के बिल्कुल बीचों बीच शनिवार वाड़ा। ये पिलर्स थे, विंडोज थी जहाँ पे लगती थी, और जहाँ से सैनिक निरीक्षण करते थे, निगरानी रखते थे। किता 5 दरवाजे हैं शनिवार वाड़ा के। जो सबसे बड़ा दरवाज़ा है जहाँ से एंटर हुए हम लोग, वो है आपका दिल्ली दरवाज़ा। उसके बाद एक है मस्तानी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, और फिर आता है नारायण दरवाज़ा। और ये है मस्तानी दरवाज़ा, छठा दरवाज़ा, माफ़ कीजिएगा, ये था जिसे कहते थे खिड़की दरवाज़ा। खिड़की दरवाज़ा इसलिए इसको कहा गया क्योंकि यहाँ पे खिड़कियाँ लगी हुई थी, जहाँ से कि सैनिक जो थे वो आगे या बाहर देख सके। तो ये 6 दरवाज़े थे मोरोगस, और हर एक की अपनी सिग्निफिकेंस थी। हिस्ट्री के अंदर जो दरवाज़ा रह गया वो था नारायण दरवाज़ा, जहाँ उस बच्चे की। ये जगह है रंग महल, जहाँ पे पेशवा लोग बैठ के नाच देखा करते थे। और एक यूरोपियन एक ट्रेवलर आया था 1790 और 1795 के बीच में, उसने इस जगह का, इस बगीचे का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है। और उसके हिसाब से ये भी कहा गया है कि इसमें इतनी जगह थी कि यहाँ पे 100 नर्तकियाँ एक ही समय में नाच सकती हैं। एक हरे रंग के वेलवेट के कपड़े पे 3 तकियों के साथ पेशवा जो थे वो आराम फरमा के, बाजीराव पेशवा यहीं पे बैठ के गणपति जी का आयोजन किया करते थे और यहीं से सारा निरीक्षण करते थे।